जी हाँ दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो जान लेते हैं आज के प्रमुख सच्चे के समाचार से। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले से। कृषि विभाग में 500 पद रिक्त पदों पर भर्ती। प्रतापगढ़ में समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई है। कृषि विभाग ने कृषि अधिकारी के 25, कृषि पर्यवेक्षक के 430, निजी सहायक से ग्रेड सेकंड के 16 और कनिष्ठ सहायक के 84 पदों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए संबंधित एजेंसी को अभ्यर्थना भिजवाई है। अगली खबर है शिवरा पंचांग जारी, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, एडमिशन 15 तक कर सकेंगे। नए शिक्षा सत्र में 240 दिन लगेंगे स्कूल, 126 दिन रखे जाएंगे अवकाश। अगले साल 17 मई से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियाँ होंगी। ऐसे रहेगा स्कूल का समय, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल खुलेंगे। अगली खबर है स्कूल लेक्चरर पद के लिए काउंसलिंग कल से। आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के 6000 पदों के लिए विभिन्न विषयों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू हो रही है। करीब 1 महीने तक चलने वाली इस काउंसलिंग में सबसे पहले बायोलॉजी की 162 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी। अगली खबर है आरपीएससी, 26 दिन के अंतराल के बाद कल से इंटरव्यू शुरू होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सोमवार से गहमागहमी का दौर शुरू होगा। 26 दिन के अंतराल के बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग के इंटरव्यू से हो रही थी शुरुआत में। आयोग अध्यक्ष संजय शोस्त्री के साथ ही आयोग के सभी मेंबर भी मौजूद रहेंगे। आयोग के भ्रष्ट मेंबर बाबूलाल कटारा के निवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद से आयोग में रौनक लगभग खत्म हो गई थी। आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार शोस्त्री भी कुछ दिनों आयोग नहीं पहुंचे थे। अगली खबर है भारतीय डाक विभाग में 70,000 पद खाली, इनमें से 60,000 से अधिक पद ग्रुप सी के। लगातार खुल रहे हैं पोस्ट ऑफिस लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही। 5 साल में खुले 56 से 39 पोस्ट ऑफिस, बंद मात्र 37 हुए। और अगली खबर है रीट भर्ती परीक्षा को लेकर। अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के स्क्रीन फॉर्मारी समस्या और विसंगतियों का निराकरण करवाने के लिए चेयरमैन साहब को अवगत करा दिया गया है। जल्दी समस्या का हल हो जाएगा। और कॉलेज असिस्टेंट प्रोग्रेस भर्ती में होम साइंस के पदों को लेकर भी बात चल रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर है TSP बेरोजगार संघ की चेतना यात्रा। डूंगरपुर में बेड़ूसर धाम से शुरू होगी यात्रा। 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे उदयपुर। संभागीय आयुक्त कार्यालय में संभागीय आयुक्त को देंगे सीएम गांव के नाम ज्ञापन। रीट भर्ती में पद बढ़ाने की है मांग। TSP क्षेत्र में रीट के पदों में पद बढ़वाने की ये संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।